हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी अपडेट के बारे में और क्या मुझे चैनलिंग्स हुई है, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स जो है इस ड्यूरेशन ट्विन फ्लेम्स को मिल रही है, यूनिवर्स में क्या एनर्जी चल रही है, DMDF की क्या एनर्जीज है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, और ज़रूरी नहीं है मेरे सारे के सारे एनर्जी अपडेट्स जो है सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट करें। सो चलिए विदाउट एनी डिले आज हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 2-3 दिनों से मैं ऐसा कॉन्स्टेंटली फील कर रही हूँ कि मुझ में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रही हूँ। तो इस वक्त ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में ये जो है मेजर चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे 2-3 दिनों से, कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर आप लोअर डायमेंशन में हो तो आपका डायमेंशन जो है एक रेज हो रहा है, यानी कि आप अगर 4D में हो तो आप जो है 5th डायमेंशन में जा रहे हो, या फिर अगर आप 5th डायमेंशन में हो तो आप 6th डायमेंशन में जा रहे हो। तो ये वाली फीलिंग जो है आपको आ सकती है। इस वक्त जो है आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिएटिव वर्क करने का जो है मन हो सकता है। जो चीज़ें आप पहले करते थे लेकिन आप जिन्हें जो है टाइम के साथ साथ भूल चुके थे, तो ऐसी सारी क्रिएटिव चीज़ें आपके अंदर दोबारा आ रही हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ दोबारा आ रही हैं, और आपको और भी अच्छे से जो कोई भी आप वर्क कर रहे हो, जिस किसी फील्ड में भी आप हो, वहाँ पर और ज़्यादा क्रिएटिवली काम करने का आपको जो है मन करेगा। और ये चीज़ें पहले आप सोचते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे, लेकिन अभी आपके अंदर से ही चीज़ें आएगी। तो ये वाली बहुत पॉजिटिव जो है ब्लेसिंग्स इस वक्त ट्विन फ्लेम्स को मिल चुकी है यूनिवर्स की तरफ से। उसके साथ ही साथ गाइस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी और आपके जो निगेटिव थाट प्रोसेस है वो काफ़ी कम हो रही है, आपको ऐसा फील होगा। उसके साथ आप नोटिस कर पाओगे कि आपके अंदर जो कोई भी निगेटिव थाट्स चलते थे, जो कोई भी गलत चीज़ें आप सोचते थे, वो आप नोटिस कर पाओगे, उन्हें आप चेंज कर पाओगे। जो आपको पहले इससे पहले समझ नहीं आता था कि आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ पर जो है गलतियाँ कर रहे हो, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हो, तो आपके जो वरीज़ है आप उन्हें ऑलमोस्ट भूल ही जाओगे। आप उन चीज़ों के लिए वरीज़ नहीं करोगे जो कोई भी प्रॉब्लम्स इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है। तो ये भी चीज़ें काफ़ी सारी मुझे महसूस हुई है कि कलेक्टिव में ये सारे चेंजेस इस वक्त दिख रहे हैं, और ये डेफिनेटली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। सो मेक श्योर कि आप इस एनर्जी को जितना ज़्यादा आपके अंदर मेंटेन करें उतना ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप फिर से निगेटिव हो जाओगे, निगेटिव सोचने लगोगे, तो फिर आप ऐसा फील नहीं करोगे और आपकी वाइब्रेशन जो है कम हो जाएगी। तो मेक श्योर कि जितना आप पॉजिटिव रहे, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे, और सभी के बारे में जो है जितना अच्छा सोच सकते हैं, और अपने एक्शंस को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। उसके साथ साथ ये भी चीज़ हो रही है कि कुछ टाइम के लिए आप जो है आपके मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर वरीज जो है भूल जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मैंने सब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अब मुझे किसी भी चीज़ की वरीज करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली फीलिंग भी आपको हो रही होगी। ओके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज होगी, काफ़ी सारे टास्क आप कर पाओगे, और आपके वर्क पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फोकस रह पाओगे। चीज़ें आप पहले सोचते थे कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगी, लेकिन आप उसे जो है डिले कर देते थे क्योंकि आपका मन नहीं होता था, और या फिर आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती थी। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा। ओके, सो ये सारी बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज गाइस इस वक्त यूनिवर्स में चल रही है। उसके साथ अगर हम बात करें कि ट्विन फ्लेम्स को इस वक्त जो है काफ़ी सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं। यस, वो जहाँ कहाँ भी गलत थे, जहाँ कहीं भी उनसे अनजाने में गलतियाँ हो रही थी, वो उन गलतियों को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब वो इन गलतियों को समझ पाएंगे। वो कहाँ कहाँ निगेटिव हो रहे हैं, कहाँ कहाँ उनके वाइब्रेशंस लो हो रहे हैं निगेटिव थिंकिंग की वजह से, उनकी क्या थॉट प्रोसेस भी उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारे रियलाइजेशंस इस वक्त ट्विन फ्लेम्स को हो रहे हैं।
मेक श्योर कि आप इस वक्त आपको जो कुछ भी रियलाइज़ हो रहा है उसे आप नोट डाउन करें और आपके सामने रखें, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे और आगे जाके आप जो है ऐसी यू नो निगेटिव चीज़ें ना करें या फिर निगेटिव चीज़ें जो है ना सोचें, तो फिर आपका बिहेवियर एक तरह से चेंज हो जाएगा और इससे आपकी जो है हीलिंग भी फास्ट हो जाएगी। जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना आप समझोगे कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है और उसे करेक्ट करने की कोशिश करोगे, सो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ हीलिंग। जब आप आपके एक्शंस को सुधारते हो, आप खुद के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस जो है महसूस करोगे। अभी इस वक्त जो है अगर हम डीएम डीएफ्स के एनर्जीज़ की बात करें, तो फिर दोनों भी तरफ से नॉर्मल एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है। काफ़ी सारी डीएफ्स है जो इस वक्त काफ़ी अच्छे से बैलेंस रहेगी, डीएम भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस रहेंगे और डीएफ जो है अपने वर्क पर काफ़ी फोकस कर पाएंगी, ये मुझे दिख रहा है। डीएम की तरफ से जो है लेकिन आपके लिए मिसिंग एनर्जी या फिर लव वाली एनर्जी, पीस वाली एनर्जी आप महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, या फिर थोड़ी बहुत मिसिंग एनर्जी जो है आपको आपके हार्ट सेंटर में डीएम की तरफ से फील हो सकती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, डीएम बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में इस वक्त नहीं है और ना ही डीएफ हैवी एनर्जीज़ में है। थोड़ी बहुत मिसिंग एंड लविंग एनर्जी इस वक्त यूनिवर्स में अभी भी दिखाई दे रही है। आप लोग इस वक्त काफ़ी सारे और यूनियन के साइंस जो है नोटिस कर रहे होंगे, वो इसी वजह से दिख रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स में इस वक्त जो है काफ़ी लविंग एनर्जी फैली हुई है, तो उसकी वजह से आप जो है ऐसे साइंस देखोगे। इसी ड्यूरेशन जो है डीएम और डीएफ दोनों को बहुत ही मेजर ट्रिगर्स नहीं हो रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत ट्रिगर्स हो रहे हैं, थोड़े बहुत रियलाइजेशंस हो रहे हैं, लेकिन मेजर ट्रिगर्स एंड क्राइंग एंड पर्जिंग ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली इस वक्त जो है डीएम डीएफ अच्छा फील करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा फील करेंगे, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे इस वक्त। गाइस, आप जो है आपके इनर वर्क पे फोकस रहे, इनर वर्क जो है अच्छे से करें और जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है रहने की कोशिश करें, खुद को अफर्मेशंस दे और यू नो खुश रहे, हैप्पी रहे। लाइफ में आपके कुछ हो ना हो, पैसे हो ना हो, डीएम हो ना हो, उनसे बात हो रही हो या फिर ना हो, लेकिन हर किसी सिचुएशन में आपको जो है खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। कि कुछ डीएम्स है, अगर आप उनको कॉन्टैक्ट में हो तो आपके डीएम जो है आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तभी डीएम का आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि लविंग एनर्जी है तो डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे होंगे, तो वो आपको मिलाने के लिए भी बुला सकते हैं। तो ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, अगर डीएम आपको बुलाते हैं मिलने के लिए तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो आपको कॉल मैसेज करते हो तो आप उनसे कॉल मैसेज पर बात कर सकते हो और आपको नॉर्मली उनके साथ जो है बात करनी है। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। बाय बाय।